रायबरेली में एक महिला पशु चिकित्सा अधिकारी ने अपने ही बॉस पर यौन शोषण के प्रयासों का गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला पशु चिकित्सा अधिकारी का कहना है कि उनके बॉस एवीओ जब प्रयास में विफल रहे तो 9 दिन का वेतन रोक दिया। महिला पशु चिकित्सा अधिकारी ने अपने उच्च अधिकारियों समेत महिला आयोग को चिट्ठी लिखी है। महिला पशु चिकित्सा अधिकारी ने अपने उच्च अधिकारियों समेत महिला आयोग को चिट्ठी लिखी है। उधर सीबीओ ने सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया है। मामला नसीराबाद पशु चिकित्सालय का है, जहां तैनात पशु चिकित्सा अधिकारी इंदु बाला का आरोप है कि सीबीओ अनिल कुमार राज्य स्तरीय विभागीय संगठन के पदाधिकारी हैं और मुझे मेरी इच्छा के विरुद्ध जिला स्तरीय संगठन में मंत्री बना दिया और मंत्री बनाने के बाद वो संगठन की बैठक में शामिल होने का दबाव बनाते थे। मैं जब उनसे झांसे में नहीं आई तो उन्होंने मुझे विभागीय बैठक में बुलाया। सभी अधिकारियों के जाने के बाद देर शाम उन्होंने मेरे साथ छेड़छाड़ का प्रयास किया। मैं वहां से उनकी शिकायत करने के बाद कहते हुए किसी तरह भागी। इसी में कुपित सीबीओ ने मेरे अस्पताल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय में गौशाला में थी। उन्होंने मुझे बिना फोन किए हुए उपस्थित रजिस्ट्रार से राजपत्रित छुट्टियों के दौरान भी ना किए गए हस्ताक्षर को जोड़कर मुझे 9 दिन अनुपस्थित दिखाते हुए वेतन रोक दिया। उधर सीबीओ का कहना है कि सभी आरोप बेबुनियाद हैं, क्योंकि विभाग की कार्यवाही की गई है इसलिए बेबुनियाद आरोप लगा रही। क्या नाम है आपका? डॉक्टर इंदु वाला। क्या है आप? पशु चिकित्सा अधिकारी नसीराबाद। अच्छा, आपने अपने ही सीबीओ पर आरोप लगाया है, यौन शोषण तक का आपने आरोप जी, लगाया जी, है। जी सर, क्या है पूरा मामला? सर यही मामला है कि ये जब से इन्होंने कारोबार संभाला है दिसंबर से, उसके बाद इन्होंने ये एक्चुअली में ये उत्तर प्रदेश मुख्य पशु चिकित्सा संघ के ये महामंत्री हैं। इन्होंने जनपद इकाई में मुझे जबरदस्ती संयुक्त मंत्री का पद दे दिया, ठीक है। मेरे कई बार मना करने के बाद दबाव बना के मुझे दे दिया, फिर लगातार मेरे ऊपर दबाव बनाया गया कि आप बैठक में आइए, आप मिलिए, आके आप मिलती नहीं हैं, आप बहुत अकड़ में रहती हैं। मैंने कई बार इसका विरोध भी किया। हमने कहा सर काम बहुत है, इस वजह से मैंने पहले भी आपसे कहा था कि सर ये सब नेता नगरी मैं नहीं कर पाऊंगी। उसके बाद ये सर फरवरी में आके महाशिवरात्रि और इतवार की मेरी अनुपस्थित लगा के चले गए। फिर इन्होंने लगातार मेरे ऊपर फिर दबाव बनाया। फिर जब भी फिर तब उसके बाद जब हमने फिर उनकी बात नहीं इस तरह से मानी तो फिर ये मई में आके सर, और ये मई में आके फिर ये मेरी मतलब मुझे फ़ोन भी नहीं किया ना मुझे बताया और ये मेरी एब्सेंट लगा के चले गए। फिर इन्होंने जब 16 तारीख को मैं 16 मई को सर ऑफिस में स्पष्टीकरण देने की तो इन्होंने मेरे साथ बहुत अभद्र व्यवहार किया। और जब मैंने बाथरूम की बात कही कि आप सब गए थे तो वही बाथरूम सर चेक कर लेते, महिला होने के नाते मुझे खुले में जाना पड़ता है, तो उन्होंने अभद्रता करते हुए मुझसे कहा कि बाथरूम तो लगभग सब जगह यही समस्या है, तुमको बहुत प्रॉब्लम होती है, अब नौकरी करना हमको आपको अच्छे से सिखा देंगे, आपका करियर बर्बाद कर देंगे, आपको हम सिखाएंगे अब नौकरी करना होता क्या है। उसके बाद सर ये 27 मई को फिर विभागीय बैठक में इन्होंने हमें रोका, सबके जाने के बाद सब चले गए, उसके बाद मुझे जबरदस्त रोका गया और फिर उसके बाद ये कहीं विभागीय कार्य से चले गए थे। लगभग 1-1.5 घंटे बाद लौट के आए कि जब तक मैं आ ना जाऊं तब तक आप यहीं बैठी मिलना। आने के बाद जब मैं पीछे बैठी हुई थी तो इन्होंने मुझे आगे बुलाया कि आप आगे आके बैठिए। जैसे ही मैं आगे आके बैठी स्पष्टीकरण इन्होंने थमाते हुए मेरा हाथ पकड़ लिया और जैसे ही हाथ पकड़ा मैं इनका हाथ छुड़ा के धक्का दे के दरअसल ये सारे आरोप बेबुनियाद हैं। मैंने जब इनका निरीक्षण किया तो ये लगातार 9 दिन से अनुपस्थित चल रही थी और अनुपस्थित होने के कारण जब इनका स्पष्टीकरण मांगा गया तो इन्होंने उपस्थिति का कोई भी प्रमाण नहीं दिया। लगातार 2 महीने तक उपस्थिति का प्रमाण न देने के कारण इनका वेतन बाधित कर दिया गया था। इसके पश्चात ये गौशाला में जा कर के लगातार 9 दिन गौशाला में कार्य करने का एक प्रमाण दिया था जो कि स्वीकार नहीं था। जब इनसे अनुरोध किया गया एक पत्र के माध्यम से कि आप 9 दिन की अनुपस्थिति के कारण अपना अवकाश का प्रार्थना पत्र दे दें जिससे कि आपका वेतन निकाला जा सके, परंतु इन्होंने अवकाश का प्रार्थना पत्र न दे करके, इनका कहना है कि बिना अवकाश के प्रार्थना पत्र दिए मेरा वेतन निकाला जाएगा, अगर मेरा वेतन नहीं निकाला जाएगा तो मैं आपको बदनाम कर दूंगी, मैं मीडिया में जाऊंगी, मैं कोर्ट में जाऊंगी, मैं आपके खिलाफ थाने में जाऊंगी और आप पर जो भी आप सोच नहीं सकते हैं मैं वैसे आरोप लगाऊंगी। इस प्रकार के
आरोप लगाना बिल्कुल निराधार है। मैंने भी वो जो मीडिया में निकला है मैंने भी देखा है, मेरे पास भी फॉरवर्ड किया गया है, तो ये बहुत ही खेदजनक है। यदि इस प्रकार से आरोप लगाए जाते रहें तो निश्चित ही सरकार और शासन की प्राथमिकता वाले कार्यों की मॉनिटरिंग और उसकी गुणवत्ता प्रभावित होगी और हम लोग निश्चिंत होकर के ये सारे निरीक्षण या उनका सत्यापन कार्य नहीं कर पाएंगे।